नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम हमारे इस चैनल के जरिए आपको तरह तरह के फलों के पेड़, तरह तरह के पौधे और तरह तरह की सब्जियां उगाना सिखाते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली। हम आपको पेड़ और पौधों की कलम करना यानी कि ग्राफ्टिंग करना भी सिखाते हैं। हम आगे आपको साइट्रस, मैंगो और मलबेरी की कलम और कटिंग की मदद से उगाना सिखा चुके हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए एक गुलाब के पौधे पर अलग अलग रंग के फूलों की कलम की बर्ड ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो बताने जा रहे हैं। और आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस पसंद हो तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको रोज की ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ, तो आप यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने 2 महीने पहले इस गुलाब की डाली के ऊपर बर्ड ग्राफ्टिंग की हुई थी, जिसमें से एक नई डाली ग्रो कर रही है। आप वैसी ही डाली यहाँ मेरे हाथों में देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम रोज पे बर्ड ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। आप भी ऐसी डाली का चुनाव करके गुलाब के ऊपर से तेज चाकू की मदद से काट ले। ग्राफ्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने एक ही गुलाब पे यहाँ ऑरेंज, सफ़ेद, गुलाबी, डार्क रेड, रेड, लाइट येलो और डार्क येलो रंग की कलम करके तैयार की हुई है, जिसके ऊपर आप बड़े बड़े अलग अलग रंग के फूल देख सकते हैं। यहाँ जो आप देख सकते हैं वो गुलाब डार्क रेड कलर का था, जिसके ऊपर हमने अलग अलग ग्राफ्टिंग की हुई है। तो आइए चलिए दोस्तों, अब हम अपने नए पौधे के ऊपर ऐसे ही रंग के गुलाब की ग्राफ्टिंग करते हैं, जहाँ हमने 2 महीने पहले सफेद रंग के गुलाब की कलम की हुई। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले जिस डाली के ऊपर हमारी बर्ड लगानी है, उस डाली के ऊपर से और आसपास की डालियों के ऊपर से पत्तियां हटा लेनी है। अब हमें हमारे हाथ में यहाँ जो डाली है उसके ऊपर तेज चाकू से एक गोलाई में सिर्फ छिलके की गहराई तक कटाव करना है। उसके बाद हमें एक सीधा कटाव, हमने जितना भाग बड़ का है उतने हिस्से में डाली पर करना है और सावधानी से बड़ को नुकसान न हो जाए उस तरह बड़ को हमें डाली के ऊपर से निकाल लेना है, जैसे कि यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमें इस डाली पर गोलाई में ऊपर का छिलका जो है उसकी गहराई तक आधी गोलाई में कटाव करना है और ऊपर का छिलका बड़ के नाप से थोड़ा साइज में छिलके हटा लेना है। इसके बाद हमने जो बड़ तैयार की है उस बड़ को सावधानी से छिली हुए भाग पे लगा देना है। इसके बाद हमें प्लास्टिक की 1 सेंटीमीटर चौड़ी टेप को इस बड़ के आसपास मजबूती से बांध लेना है।
यह टेप आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। इस टेप को बांधते वक्त ढीला नहीं रखना है और बड़का बीच का हिस्सा जहां से नई डाली का फुटाव होगा वहां खुला रखना है। अब मैं आपको मैंने यहाँ 40 दिन पहले एक ऐसी ही बड़ को यहाँ इस गुलाब पर लगाया था जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें से नई डाली निकली हुई है। यहाँ एक दूसरा बड़ भी था जो इस गुलाब से जुड़ाव नहीं कर पाया। अब हमें आखिर में क्या करना है कि हमें जहां अभी नई बड़ लगाई हुई है उस डाली के ऊपर के भाग को एक इंच की जगह छोड़ के काट लेना है, जिससे इस नई बड़ को डाली में से पोषण मिलेगा और यह बड़ इस डाली से जुड़ाव कर लेगा। दोस्तों, यहां हमारा रोज ग्राफ्टिंग का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से कर लें और हमारे इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर से करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।